बालापुर शहर में सबको चकित करने वाली घटना हुई है। बालापुर शहर में तीन नदियां अपने उफान पर चल रही है। तीन दिन से लगातार बारिश के चलते ये नदियां उफान पर है। देख सकते हैं आपके किसी भी प्रकार से पुल पे वहां पे रेलिंगें नहीं हैं और बड़ा कीचड़ उस जगह पे बालापुर में आने जाने वाले रास्तों पे नदियों के देख सकते हैं। जो हो एक भयानक हादसा यहाँ पर घटित हुआ है जिसकी जानकारी हम आपको यहाँ पर देने वाले हैं। आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से रास्ते के ऊपर कीचड़ है और नदी के ऊपर कोई भी रेलिंग लगाई हुई जो रहती है वो भी रेलिंग चोर चुरा ले रहे हैं। रेलिंग ना होने की वजह से यहाँ पे आज से आने जाने वाले के साथ में हो रहे। 40 वर्षीय अरुण पांडुरंग बोबड़े अपने घर से लापता था जिसकी लाश 17 तारीख को नदी में बालापुर के मिली है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार ये बताया जा रहा है कि ये आदमी पुल से गिरने की वजह से नदी में गिर चुका था जिसकी लाश बाद में नदी से निकाली गई। वहीं पे ये बताया जा रहा है कि मछुआरे जब नदी में अपने जाल बिछाने के लिए गए तो उन्हें इसकी लाश दिखने पर इन्होंने पुलिस को जानकारी दी जिसे बाद में लाश को निकाला गया। रेलिंग ना होने की वजह से किसी व्यक्ति की जान चली गई लेकिन सरकार और प्रशासन को शायद इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। चोर चोरी करके रेलिंग निकाल लेते हैं लेकिन आने जाने वाले व्यक्तियों को इसका हर्जाना किसी और को भुगतना पड़ता है। जल्दी ही प्रशासन ने चोरों पर लगाम नहीं कसी तो और भी बड़े हादसे बालापुर की नदियों के पास में हो सकते हैं। आने जाने वाले रास्तों का काम किया जाए और रोलिंग लगा के वहाँ पे कैमरे लगाए जाए जिससे चोरों का पकड़ वहाँ पे हो, ऐसी मांग बालापुर की जनता कर रही है। और इस तरह से हादसे ना हो इसका भी प्रशासन ने ध्यान देना चाहिए। ताहिर खान की रिपोर्ट बालापुर शहर से देखिए, शेयर कीजिए। मच्छी मारा हो मी मच्छी धरना पण त्याच्यामुळे मला दिसला तो मला दिसल्यामुळे मी त्याने कारवाई केली की बा मला इथं दिसला तर मग त्याला मी त्याला माहिती केली तर त्याच्या घरच्या लोकांना मी माहिती केली तर त्याच्यामुळे मतलब मी त्याला बोलावलं त्याच्यामुळे बोलावल्यामुळे मी त्याला काढून घेतलं। माझं नाव लक्ष्मणराव ढोले अरुण अरुण बोबळे।